गाइस अभी एक बहुत फनी चीज होने वाली है। आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज नाउ। आ गया आ गया। नहीं उतार रही मैं सॉक्स, अभी दूसरा शू उतारूंगी। ये इतना बड़ा सॉक्स का चोर है। देखो देखो देखो, ही इज वांटिंग मी टू टेक ऑफ माय शूज। सिंबू व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके मैंने दूसरा शू भी उतार दिया। एंड नाउ क्या करूं क्या करूं? नो सिंबू नो नो, लीव माय सॉक्स लीव माय सॉक्स। गंदा डॉगी लीव माय सॉक्स। यार नो, मैं तो दूसरी भी उतार रही हूँ, मैं तो दूसरी सॉक्स उतार रही हूँ। सिंबू देखो देखो इसको, नहीं देगा अभी मेरी सॉक्स वापस मुझे। क्या होता है, मेरे घर में जितने भी सॉक्स के पेयर्स हैं वो सब अलग हो जाते हैं। ये एक सॉक्स लेके कहीं पे भी भाग जाता है और फेंक देता है, छुपा देता है, और फिर सारे पेयर्स खराब, और वो कभी एक महीने बाद कभी दो महीने बाद कहीं कहीं कॉर्नर से मिलते हैं। सिंबू छोड़ो छोड़ो, आई वॉन्ट टू नो आप लोगों के डॉगीज भी ऐसा करते हैं क्या? हाँ सॉक्स लेके भागते हैं। आई थिंक इनको स्मेल चाहिए होती है ना बाहर की। सिंबू सॉक्स चोर है। सिंबू सॉक्स चोर हो ना तुम, छपकी सॉक्स चुराते हो ना? अभी तुम्हारा नया नाम पड़ गया है, सॉक्स चोर सिंबा। छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी सिंबू ने जाओ छोड़ दी। वैसे ही इसका थोड़ी देर का ही होता है, फिर उसके बाद इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताना आप लोग हाँ कमेंट्स में कि सारे पेट्स ऐसे ही करते हैं क्या, सारे डॉगीज ऐसे ही सॉक्स लेके भागते हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो गाइज। ठीक है चलो ओके टाटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब to Simba's Pug Life. Oh God, ले लिया दूसरा भी वापस से।